Hello students! आज हम क्लास फोर्थ की एस एस टी की बुक अवर इंडिया के चैप्टर फोर रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेन्स भारत की नदियां और उनके मैदान द समर वैकेशन आर अबाउट टू एंड अनु एंड तनु है फिनिश्ड देयर होलीडे दे होमवर्क गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी अनु और तनु अपना होलीडे होमवर्क भी खत्म कर चुकी थी एवरी डे इन द इवनिंग बोथ ऑफ देम कम एंड सिट नियर द टेलीविजन टू वॉच कार्टून्स और डेली शाम को वो दोनों साथ में मिलकर कार्टून देखती थी बट वेन अनूज फादर कम्स ही चेंजेस द चैनल एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द न्यूज लेकिन जैसे ही उनके पापा आते हैं वो चैनल को बदलकर न्यूज सुनना शुरू कर देते हैं मैनी रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑन द राइज एंड आर फ्लोइंग अब द डेंजर मार्क और फिर उन्हें न्यूज़ में पता चलता है कि उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं बोथ आर हॉरीफाइड सच न्यूज़ और दोनों ये वाली खबर सुनकर डर जाती हैं दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द रिवर्स विच व ऑलमोस्ट ड्राई वन मंथ बिफोर कैन गेट फ्लडेड और वह ये नहीं समझ पा रही होती हैं कि जो नदियाँ एक महीने पहले बिल्कुल सूखी हुई थी उनमें बाढ़ कैसे आ सकती है बोथ लुक टुवर्ड्स देयर फादर विद अ क्वेश्चनिंग लुक अब दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने फादर को देखने लगती हैं लुकिंग एट देयर क्यूरियस फेसेस देयर फादर स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट माउंटेंस रिवर्स एंड प्लेन्स और उनके इस जिज्ञासु चेहरे को देखकर उनके पापा उन्हें पहाड़ों नदियों और समतल मैदानों के बारे में बताने लगते हैं अब वो बताते हैं इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी रिवर्स जो भारत है उसमें बहुत सारी नदियाँ हैं दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हायर रीचेस ऑफ द माउंटेंस और जो ये नदियाँ हैं ये पहाड़ों की सबसे ऊंचाई वाली जगह से निकलती हैं द रिवर्स ओरिजिनेट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस और वाटर फ्रॉम रेन बच्चों नदियों का उद्गम बर्फ के पिघलने और बारिश के पानी से होता है द हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ इंडिया में है अ माउंटे रेंज मीन्स मनी माउंटेन्स वन आफ्टर अनदर इन अ रो और रोज और माउंटेन रेंज में एक माउंटेन के बाद दूसरा माउंटेन एक ही रो में एक ही लाइन में बहुत सारे माउंटेन होते हैं द हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ वेरी एक्सटेंसिव जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है दूर तक फैली हुई है द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो और इसमें जो पहाड़ हैं उनकी चोटियाँ बर्फ से घे ढकी हुई हैं दर्ड हिमालय कम्स फ्राम टू वर्ड्स आइस एंड होम मीन्स होम ऑफ आइस जो हिमालय वर्ड है वो हिम प्लस आले से बना हुआ है हिम का मतलब होता है बर्फ़ जिसे हम इंग्लिश में आइस कहते हैं और आले का मतलब होता है घर इसका मतलब है होम तो ये हुआ होम ऑफ आइस बर्फ का घर दिस माउंटेंस आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेंस ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द पीक्स ऑफ दिस माउंटेंस मैनी रिवर्स ओरिजिनेट हेयर बच्चों जो ये पर्वत हैं वो सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है बल्कि ये बहुत ही यूज़फुल भी हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं रिवर्स लाइक इंदस ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना सतलुज रावी व्यास कोशी झेलम एटसेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेंस बच्चों जो ये सारी नदियाँ इसमें लिखी हुई हैं वो सभी इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड क्वालिटीज देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिवर्स और जो नदियाँ होती हैं वो अपनी प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर दो तरह की होती हैं फर्स्ट है पेरेनियल रिवर्स ये पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो निरंतर बहती हैं हमेशा रहती हैं द रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेंस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस एंड हैव वाटर थ्रू आउट ऑफ द ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स लाइक गंगा यमुना सतलुज एटसेट्रा यह वह नदियाँ होती हैं जिन जो पहाड़ों से निकलती हैं बर्फ के पिघलने के कारण और इनमें पूरे साल पानी रहता है और उन नदियों के नाम हैं गंगा यमुना सतलुज नेक्स्ट है सीजनल रिवर्स मौसमी नदियाँ द रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेंस बट हैव वॉटर इन द रेनी सीजन ओनली एंड इन द अदर सीजन्स दे हैव वेरी लेस ऑर नो वॉटर ऑर कॉल्ड सीजनल रिवर्स लाइक चंबल बेतवा गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती एट्सेट्रा सीजनल रिवर होती हैं मौसमी नदियाँ जो रिवर्स होती हैं जो पहाड़ों से तो निकलती हैं लेकिन इनमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी रहता है और पूरे साल इनमें बहुत कम पानी रहता है या बिल्कुल पानी ही नहीं रहता है और इस तरीके की नदियों को हम मौसमी नदियाँ कहते हैं और जो हैं चंबल बेतवा गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती ये सभी नदियाँ सीजनल रिवर्स हैं वैनदीज रिवर्स औरिजिनेट फ्राम द माउंटेंस देव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लो द मेन रीजन फॉर दिस स्ट्रॉन्ग फ्लो इज़ द स्लोप ऑफ द माउंटेंस बच्चा जो जब यह नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो ये बहुत स्पीड में होती हैं और ये स्पीड इसलिए होती है क्योंकि पहाड़ों में ढलान होती है दिज रिवर्स कम टू द प्लेन्स डाउन द स्लोप्स फ्लोइंग स्पीडली क्रैशिंग एंड क्रैकिंग द स्टोन ऑन द वे दीज रिवर्स मेक डीप वैलीज द फ्लो ऑफ these रिवर्स स्लो डाउन वैन दे रीच द plains बिकॉज प्लेन आर फ्लैटर दैन द mountains यहाँ जब पहाड़ों से नीचे गिरती हैं तो ये बहुत स्पीड में पत्थरों को चीरते तोड़ते हुए गहरी खाई बनाते हुए आगे बढ़ जाती हैं और प्लेन मैदानों में पहुँच जाती हैं और यहाँ पर इनकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि पहाड़ों से मैदान ज़्यादा समतल होते हैं The rivers start depositing the sand and clay which they bring with them to the plains. They deposit them on the banks. और नदियाँ अपने साथ रेत और मिट्टी को लेकर आती हैं और उन्हें वो प्लेन्स में ही छोड़ देती हैं जिससे कि नदियों की चौड़ाई और बढ़ जाती है और किनारों पर वो छोड़ती चली जाती हैं द सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल ड्यू टू सेंड एंड द डेड एंड डिकेड प्लांट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स और इसीलिए समतल मैदानों की जो सॉइल होती है मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है नदियों के रेत और ये जो मरे हुए मृत पौधे होते हैं उनके लाने के कारण नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई मोस्ट ऑफ द फार्मिंग टेक्स प्लेस नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर तो आप समझ गए होंगे कि नदियों के किनारे ही ज़्यादा खेती क्यों होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है पासिंग थ्रू द प्लेन्स रिवर मीट द सी और फॉल इन टू लेक्स दस द रिवर पासिंग थ्रू माउंटेन्स एंड प्लेन्स फाइनली डिसपियर इन सीज और लेक्स और मैदानों से बहते हुए नदियाँ समुद्र और लेक में मिल जाती हैं और इस तरह से पहाड़ों से निकल कर मैदानों को पार करके फाइनली नदियाँ समुद्र और लेक में मिलकर गायब हो जाती हैं दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी इन दिस जर्नी रिवर पासिस थ्रू मैनी विलेजेस सिटीज़ एंड कंट्रीज़ लाइक रिवर इंदस क्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान और नदियों की यह यात्रा बहुत लंबी होती है जिसमें वो बहुत सारे गांव शहर और देशों को भी पार करती हैं जैसे जो इंदस नदी है वो इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया से निकलते हुए पाकिस्तान में गिर जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है making of प्लेन्स द प्लेंस आर मेडअप ऑफ सैंड दैट हैज़ बीन ब्रॉड डाउन बाई रिवर्स मेकिंग ऑफ प्लेन्स मीन्स जो समतल मैदानों का बनना वो कैसे बनते हैं जो नदी अपने साथ रेत लाती है मिट्टी लाती है उससे ही समतल मैदान बनते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द प्लेन्स ऑन विच दिल्ली इज सिचुएटेड या आपको खुद ढूंढना है बच्चों The northern plains in India spread across Punjab, Haryana, Uttar Pradesh to Bihar. This plain is almost flat and it is very fertile due to the sand brought by rivers, Indus, Ganga, and their tributaries. बच्चों जो नॉर्दर्न प्लेन है उत्तरी समतल मैदान है वो उस वो क्या कहते हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैले हुए हैं और ये बहुत बिल्कुल प्लेन है फ्लैट हैं सीधे हैं और ये बहुत ही उपजाऊ हैं क्योंकि ये इंदस गंगा इन सभी नदियों के और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई हुई रेत और मिट्टी से बने हुए हैं इसीलिए ज़्यादा उपजाऊ है द प्लेन्स आर मोस्ट सूटेबल प्लेसिस टू लिव फॉर ह्यूमस बिकॉज द प्लेन्स आर सूटेबल फॉर मेकिंग हाउसेज एंड प्रैक्टिस फार्मिंग बच्चों जो प्लेन्स होते हैं समतल मैदान होते हैं वो लोगों को रहने के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि उनमें आसानी से घर भी बनाए जा सकते हैं और खेती भी की जा सकती है सो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई हेयर और इसीलिए समतल मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ़ द पीपल लिविंग हेयर फार्मर्स और ज़्यादातर लोग जो यहाँ रहते हैं वो किसान होते हैं देयर आर मैनी बिग सिटीज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ़ रिवर्स हरिद्वार कानपुर अलाहाबाद पटना कोलकाता आर सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड दिल्ली मथुरा यमुनानगर एंड आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना बच्चों नदियों के किनारों पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं जैसे हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद और ये सब जो भी लिखे हैं वो गंगा नदी के किनारे और दिल्ली मथुरा यमुना नगर आगरा ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं बच्चों आपने यमुना नदी देखी है स yes, देखी होगी देर आर अ फ्यू मेन रिवर्स इन साउथ इंडिया ऑल्सो लाइक कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी एट्सेट्रा बच्चो साउथ इंडिया में भी कई सारी नदियाँ हैं जैसे कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी और भी कई हैं देर आर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दे दीज रिवर्स टू लाइक नासिक ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी यहाँ पर भी बहुत सारे शहर न, इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं जैसे जो नासिक सिटी है वो गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है दिज रिवर मेक डेल्टा फ्रॉम दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल और जब ये नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती हैं नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट बट जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो दोनों ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी तट की ओर गिरती हैं अरब सागर में इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स नदियों का महत्व द रिवर्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे ब्रिंग न्यू सॉइल एवरी ईयर नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हर साल एक नई मिट्टी को लेकर आती हैं जो कि और भी उपजाऊ होती है दिस न्यू सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप्स और ये फसलों के लिए उपजाऊ होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई वाटर ऑफ दीज रिवर्स और इन नदियों के द्वारा ही पानी से बनने वाली बिजली का उत्पादन किया जाता है जिसे पन बिजली बोला जाता है द वाटर कलेक्टेड ऑल्सो हेल्प्स इन इरीगेटिंग क्रॉप्स और जो इसमें जो पानी इकट्ठा होता है वो फसलों की सिंचाई के लिए भी हेल्प करता है टू नो मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर लेटस्ट नो मोर अबाउट पंजाब आ स्टेट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स और नदियों के महत्व को जानने के लिए एक राज्य पंजाब के बारे में पढ़ते हैं जो उत्तरी समतल मैदानों में है वर्ड पंजाब इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स पंच प्लस आब बच्चों जो पंजाब वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है पंच प्लस आब भी पंच मीन्स फाइव एंड आब मीन्स वाटर और पंच का मतलब है पाँच और आब का मतलब है पाँच. पानी जहाँ पर पांच नदियों का पानी आता है दैट मीन्स द एरिया विच इज़ मेड फ्रॉम द संड ब्रॉड डाउन बाय फाइव रिवर्स और ये ऐसा एरिया है जहाँ पर पांच नदियों से मिट्टी आती है पांच नदियाँ बहकर आती हैं तो वो अपनी मिट्टी छोड़कर जाती हैं इसीलिए ये और भी ज़्यादा उपजाऊ है दीज फाइव रिवर्स आर झेलम चेनाब, राबी ब्यास एंड सतलुज और इन पाँच नदियों नदियों के नाम ये सभी हैं जो लिखे हुए हैं पंजाब इज़ फेमस फॉर इट्स क्रॉप्स मिल्क प्रोडक्ट एंड गुड फूड जो पंजाब है वो अपनी फसलों दुग्ध उत्पादन और अच्छे भोजन के लिए फेमस है द पीपल ऑफ़ पंजाब यूज़ अ लॉट ऑफ मिल्क घी बटर लस्सी एंड पनीर इन देयर फूड जो पंजाब के लोग होते हैं वो घी बटर लस्सी ये सब का अपने खाने में बहुत अधिक यूज़ करते हैं बच्चों आपने देखा भी होगा पंजाब में जो लस्सी पीते हैं उसका ग्लास कितना बड़ा होता है ना हम्म, एवरी ईयर लॉट ऑफ cereals आर प्रोड्यूस्ड here एंड द ट्रेडर्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ़ द कंट्री कम here टू बाय them. और हर साल यहाँ पर बहुत सारे अनाजों का उत्पादन किया जाता है और दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर ख़रीदने आते हैं There आर many reasons फॉर गुड क्रॉप्स प्रोडक्शन इन पंजाब पंजाब में अच्छी फसल के उत्पादन के कई reasons हैं फर्स्ट है इट इज़ अ फ्लैट प्लेन एरिया ये एक समतल प्लेन एरिया है द सॉयल इज़ फर्टाइल हेयर ड्यू टू इट्स रिवर और यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है इसकी नदियों के कारण द फैसिलिटीज़ ऑफ इरीगेशन आर गुड हेयर जब यहाँ पर ज़्यादा नदियाँ हैं तो पानी भी ज़्यादा है इसीलिए फसलों की अच्छी सिंचाई भी हो जाती है इरीगेशन इज डन हेयर बाई कैनाल्स फ्राम रिवर्स एंड फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर टू और यहाँ पर सिंचाई जो है वो कैनल्स रिवर और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उन सभी से मिलाकर यहाँ पर सिंचाई होती है द बिग भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज सतलुज नदी पर एक बड़ा भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है द इलेक्ट्रिसिटी मेड हेयर रीचेज मैनी विलेज एंड सिटीज थ्रो इलेक्ट्रिक वायर और यहाँ पर जो भी बिजली बनती है वो बिजली की तारों की सहायता से कई गाँव और शहरों में पहुँचाई जाती है दिस डैम ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लड और ये जो बांध है वो बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है द वाटर कलेक्टेड हेयर सप्लाइड टू विलेज एंड सिटीज़ थ्रू कैनाल्स दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन और जो ये पानी होता है ये क्या कहते हैं कई शहरों और गाँवों में कैनाल्स की मदद से पहुँचाया जाता है और यह पीने और सिंचाई दोनों के लिए ही इस्तेमाल में आता है ड्यू टू तो गुड फैसिलिटीज़ ऑफ इरीगेशन आ मिनिमम ऑफ थ्री क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड इन पंजाब इन अ और पंजाब में सिंचाई की अच्छी सुविधा होने के कारण एक साल में कम से कम तीन फसलें उगाई जाती हैं सो बिकॉज ऑफ अ डैम ऑन द रिवर देयर इज वर्क अवेलेबल है ऑन द फार्म थ्रू आउट द ईयर और इस बांध के कारण ही पंजाब में किसानों के लिए काम पूरे साल भर बना रहता है वीट इज द मेन क्रॉप है वैन द ट्रेंड ऑफ न्यू वेराइटी सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ट्रैक्टर्स वॉज स्टार्टिड द फार्मर्स ऑफ पंजाब एडॉप्टिड दैम वेरी क्विकली एज अ रिजल्ट द य द पंजाब फार्मर्स इंक्रीज मैनीफोल्ड जो गेहूँ है वो पंजाब की मुख्य फसल है और जैसे ही यहाँ पर नया ट्रेंड आया नए नए बीज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कीटनाशक ट्रैक्टर ये सब जैसे ही आए तो पंजाब के किसानों ने उन्हें बहुत तेजी से अपना लिया और इसका यह रिजल्ट हुआ कि पंजाब के किसानों की जो उपज थी वो कई गुना बढ़ गई बट ड्यू टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स देर इज अ बाउंड टू बी सम प्रॉब्लम एंड ट्रबल इन फार्मिंग ड्यू टू द यूज ऑफ अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स द सॉइल गेट्स स्पॉइल्ड बट कुछ नई टेक्निक्स आने की वजह से किसानों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई जैसे अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने से वहाँ की जमीन खराब हो गई एट सम प्लेसेस सॉल्ट इज डिपॉजिटेड एंड एट समर्स इट हैज़ बिकेम मर्शी कई जगह की मिट्टी में नमक जमा हो गया और कई जगह दलदली हो गए सो इन सम एरियाज लैंड हैज़ बिकेम इनफर्टाइल और इससे कई जगह की जमीन अन उपजाऊ हो गई द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब आर लोहरी बैसाखी एंड गुरुपर्ब एट एवरी फेस्टिवल भांगड़ा एंड गिद्दा इज़ परफॉर्मड ऑन द ढोल साउंड ऑफ ढोल और पंजाब में के मुख्य त्यौहार है लोहड़ी बैसाखी और गुरु पर्व और हर त्यौहार में यहाँ पर भांगरा और गिद्धा नृत्य किया जाता है ढोल की आवाज़ पर ईच फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ़ पंजाब विद झील और हर त्यौहार को पंजाब के लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं द मोस्ट पॉपुलर प्लेस हेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर होली प्लेस फॉर सिक्स और पंजाब में सबसे मुख्य स्थान है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है और ये सिखों का मुख्य तीर्थ स्थल है पवित्र तीर्थ स्थल बच्चों अब हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं क्वेश्चन वन चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फर्स्ट है विच आर द टू रिवर्स दैट फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेन जो उत्तरी समतल मैदान है उन्हें कौन सी दो नदियाँ बनाती हैं उसका आंसर इसमें बच्चों होगा ऑप्शन सी इंदस एंड गंगा इंदस और गंगा नदी ही नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं बच्चों इंदस नदी को ही सिंधु नदी भी कहते हैं सेकेंड ऑन विच रिवर इज द भाकरा नंगल डैम बिल्ट अभी बच्चों बताया था ना ऑप्शन ए सतलुज नदी पर भाकरा नंगल डैम बना हुआ है थर्ड वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है अमृतसर क्वेश्चन टू फिल द ब्लैंक्स आपको यहाँ ब्लैंक्स ब्लैक्स भरने फर्स्ट है डैश ओरिजिनेट्स ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेंस बर्फ के पिघलने से किसका उद्गम होता है रिवर्स यहाँ पर रिवर आएगा सेकेंड नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फॉल इन डैश सी कौन से समुद्र में गिरती हैं ये दोनों अरेबियन सी थर्ड इलाहाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर किस नदी के किनारे पर स्थित है ये गंगा रिवर फोर्थ द फ्लो ऑफ अ रिवर बिकम डैस एज इट रीचेज द प्लेन्स जो नदियों का बहाव होता है कहाँ पर प्लेन्स में पहुँच कर कैसा हो जाता है स्लो आपको यहाँ पर स्लो लिखना है क्वेश्चन थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका वट इज़ मीनड बाई हिमालय आप हिमालय वर्ड से क्या समझते हैं तो उसका आंसर आप लिखेंगे बुक में ही है आपका आंसर द वर्ड हिमालय कम्स फ्राम टू वर्ड्स आइस एंड होम मीन्स होम ऑफ आइस इसका यह आंसर है क्वेश्चन टू वॉट इज़ अ प्लेन प्लेन क्या है बच्चों प्लेन होते हैं समतल मैदान तो उसका आंसर होगा द बिग फ्लैट लेवल पीस ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स मतलब बहुत बड़ा सतह जमीन का टुकड़ा जो प्लेन होता है बिल्कुल समतल होता है उसे हम प्लेन्स कहते हैं इज अ ग्लेशियर ग्लेशियर क्या होते हैं लिखना है द आइस विच इज प्रेजेंट ऑन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स मूव्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज नोन एज ग्लेशियर बच्चों ये आपके आंसर पेज नंबर थर्टी वन पर दिया हुआ है आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन फोर है व्हाट इज अ माउंटेन माउंटेन क्या होते हैं आपको लिखना है माउंटेन इज़ अ वेरी हाई हिल क्वेश्चन फोर हाउ आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस नदियां मालिक क्यों महत्वपूर्ण है इसे आपको लिखना है पॉइंट्स में फर्स्ट है रिवर्स प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सेकेंड रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग थर्ड रिवर्स आर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बिटवीन सिटीज एंड टाउन्स फोर्थ रिवर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स फ्रॉग्स एंड वाइल्ड लाइफ्स क्वेश्चन फाइव वर्क आपको मैप वर्क करना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है मार्क दीज रिवर्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया आपको इंडिया के मैप पर ये सभी नदियों के नाम मार्क करने हैं और ये आपको पेज नंबर थर्टी टू पर दिया हुआ है आप उसमें से देखकर कर सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू